तो भाई लोकी का 6 एपिसोड आ चुका है और इस एपिसोड में हम समझाने की बजाय उल्टा और भी कंफ्यूज कर दिया है, यानी कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसे कहीं ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। ये एपिसोड बनाया गया है ताकि आने वाले मल्टीवर्स इवेंट को डेवलप किया जा सके। इस एपिसोड में मैंने कुछ डिटेल ढूंढ निकाली है, ज्यादा नहीं है लेकिन काफी मजेदार है, तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। नंबर वन, एपिसोड के इंट्रो में हम काफी सारे कैरेक्टर्स की आवाज सुनते हैं, जैसे कि कैप्टन अमेरिका की आवाज, आयरन मैन की आवाज, ब्लैक पैंथर की आवाज, फाल्कन की आवाज और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हमें एक ही टाइमलाइन में दिखाई देते हैं। नंबर टू, इंट्रो सीन में हम अगर स्लो मोशन में देखेंगे तो हमें क्वीन जेट दिखाई देता है, जो हो सकता है हॉकर और नताशा का हो। नंबर थ्री, इस इंट्रो में हम एक सॉन्ग को भी सुनते हैं जो है इट्स बीइंग अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, जो अब तक काफी सारे मार्वल मूवीज में यूज किया गया है, जैसे कि एवेंजर्स एंड गेम के एंड सीन में। नंबर फोर, लोकी और सिल्वी अंदर जाते ही उन्हें वहां पर मिस मिनट्स मिलती है और वो उन्हें कहती है कि इस जगह का नाम है सिटाडेल एट एंड ऑफ टाइम, जो मार्वल कॉमिक्स के थॉर इशू नंबर 145 में पहली बार दिखाया गया था। नंबर फाइव, कासल के अंदर आते ही हमें दिखा देता है कि वहां पर तीन स्टैचू है और फोर्थ स्टैचू टूट चुका है, लेकिन स्टार्ट से हमें बताया गया है कि तीन ही टाइम कीपर्स है, तो फिर फोर्थ कहां से आ गया? देखा जाए तो कॉमिक्स में भी फोर्थ टाइम कीपर है जिसे बैनिश किया गया था। नंबर सिक्स, यहाँ पर हमें कैंग दिखाई देता है जो इस सीरीज का मास्टरमाइंड कह सकते हैं, लेकिन यहाँ जो उसने आउटफिट पहना है उसका कलर काफी हद तक कॉमिक्स के वजन से मिलता जुलता है। नंबर सेवन, जब हंटर B-15 रवाना के स्कूल में पहुंचती है तब हमें यहाँ पर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का फोटो दिखाई देता है जो कभी अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। नंबर एट, यहाँ कैंग लोकी और सिल्वी को टीवीए के ओरिजिन के बारे में बताता है कि उसने मल्टीवर्स को डिस्कवर किया और फिर वो उसके अलग अलग वेरिएंट से मिला, लेकिन उन्हें कुछ वेरिएंट्स बहुत ही बुरे थे और फिर शुरू हुआ मल्टीवर्सल वॉर, लेकिन फिर कैंग को मिला एलॉयड जिसकी मदद से उसने मल्टीवर्स वॉर को खत्म किया और टाइमलाइन को कंट्रोल करने के लिए टीवीए को बनाया। ऐसा ही कुछ हमने कॉमिक्स में भी देखा था द काउंसिल ऑफ क्रॉस टाइम कैंग में, जहां पर भी काफी सारे कैंग्स थे और उनमें भी वॉर शुरू हुआ था। नंबर नाइन, यहाँ कैंग बताता है कि उसके कई सारे वेरिएंट्स हैं और उसे कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि ही हू रिमेंस, रूलर और कॉन्करर, यानी कि कहीं पर उसका एक और वेरिएंट है जो कैंग द कॉन्करर नाम से भी जाना जाता है, ना कि ये। नंबर टेन, यहाँ स्टार्ट में हम टाइमलाइन को देखते हैं जो कि राउंड है, लेकिन ही हू रिमेंस की मौत के बाद उसमें बहुत सारे ब्रांच टाइमलाइन बनने लगते हैं क्योंकि अब टाइमलाइन को संभालने वाला कोई नहीं था। नंबर 11, यहाँ जब सिल्वी लोकी को किस करती है तब हमें पीछे पोर्टल भी खुलता हुआ देखते हैं, लेकिन हम में से किसी का भी ध्यान वहाँ नहीं था। नंबर 12, फिर सिल्वी लोकी को वापस टीवी में फेंक देती है, जहाँ पर जाकर लोकी मॉर्बियस को बताता है कि बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, लेकिन मॉर्बियस उसे पहचानता ही नहीं और ना ही अंडर B-15। और तब लोकी देखता है कि टीवी में अब कैंग का स्टैचू है एज अ टाइम कीपर, और ये सीजन यही खत्म होता है। ये सीन काफी कंफ्यूजिंग थी और काफी लोगों को समझ में भी नहीं आया होगा कि एंड में आखिर हुआ क्या। मेरे ख्याल से शायद लोकी किसी और टाइमलाइन के टीवी में गया होगा जहां पर टीवी ने कभी लोकी को पकड़ा ही नहीं होगा। फिर हम मिड क्रेडिट सीन देखते हैं जहां पर ये कंफर्म होता है कि लोकी का सीजन 2 आएगा, लेकिन उसमें अभी काफी ज्यादा टाइम है। तो बस इतने ही डिटेल में ढूंढ पाया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।